नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है, आरके कोचिंग सेंटर से। रंजीत सर, आज मैं अपने भारत देश के समाज के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम है भारत देश, और इस देश का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित रहा है। लेकिन आज समाज के कुछ बुरे लोगों की वजह से आज हमारा पूरा देश जो है, पूरा समाज जो है, उसमें मिल के रह जाता है। मैं आज का जो मेरा मुद्दा है वो है रेप केस। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, पहले मैं उनसे शुरू करता हूँ। 2016 में 38,947 केस थे। नेक्स्ट ईयर 32,559 केसेस। 2018 33,356 केस। एंड 2019 32,032। और लास्ट ईयर 2020 में 28,046 केसेस थे। ये आंकड़े सिर्फ इसलिए बताए हैं कि समाज को अब जागरूक होने का टाइम आ गया, समाज के जागरूकता का टाइम आ गया है। हम आए दिन हर सरकार को चुनते हैं, जो हर 5 साल में एक नई सरकार आती है, नए वायदे लेके आती है, वादे करती है, लेकिन अब उससे काम शायद मुझे नहीं लगता कि चलेगा कुछ ऐसा। अब हमें खुद, हम समाज को मिलके इसके विरुद्ध मिलजुल कर एकता के साथ काम करना होगा। सरकार कानून बनाए बहुत अच्छा रहेगा इसके उपलक्ष्य में, अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो। लेकिन उस कानून को बनने में कितना और समय लगेगा ये मैं भी नहीं जानता। किसी भी रेप केस के बाद हम समाज के जो नागरिक हैं वो जुलूस निकालते हैं, अपनी अपने क्रोध को राजनेताओं के सामने रखते हैं। मुझे लगता है इससे भी कोई काम नहीं बनने वाला, क्योंकि कहते हैं जब तक समस्या अपने घर की ना हो तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। इसका अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे। मैंने कहा जब तक प्रॉब्लम जो है, कोई समस्या अपने घर की नहीं होती है, जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज समाज में छोटी बहनों के साथ, जिसकी उम्र मात्र 8 महीने, 3 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो उन हैवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है क्या? ऐसा तो हमारे इतिहास में कभी रहा नहीं। इतिहास, भारत का इतिहास देश के नागरिकों को ये सब नहीं सिखाता है। इतिहास हमारा यहाँ ऐसा रहा है कि जो मर्द होते हैं, पुरुष, वो स्त्रियों का सम्मान करना अच्छे से जानता है। हमारा इतिहास ये हमें सिखाता है। हमारा इतिहास जो है उसमें स्त्रियों के सम्मान की बातें कही गई हैं, लेकिन आज कुछ हैवानों के चलते इस विचारधारा को कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। तो आज समय आ गया है कि हम इस विचारधारा को दोबारा लेके आए। एक छोटा सा विचार है, देखो राजनेता जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम समाज के नागरिक एकजुट होकर और मिलकर साथ एक कदम उठा सकते हैं। हर घर में बहनें और माताएं होती है, बहन बेटियां होती है, और हर घर में भाई या माता पिता भी होते हैं। तो क्यों ना हम उन लड़कियों के लिए माता पिता या भाई बन जाए जिनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है। रास्ते में अगर कोई लड़की को कोई हैवान अगर कुछ कहता है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, तो हमें आवाज़ उसी समय उठानी चाहिए। और मैं उन सभी बहनों से ये भी कहना चाहूँगा
कि आप भी आवाज़ उठाओ। अगर आपसे कोई कुछ कहता है, आपको कोई छेड़ता है या कोई आपको गलत कमेंट्स करता है, तो आप उसी समय एक्शन लो। क्योंकि जब उसी समय अगर हम कोई एक्शन ले लेते हैं तो ठीक रहता है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, बाद में ये करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। एट ए टाइम एक्शन लो। हमारे आसपास में लाखों लोग रहते हैं, उस लाखों लोग में हजारों भाई होते हैं, हजारों पिता होते हैं, हजारों माताएं होती हैं। तो उन सभी से मेरा ये कहना है कि आप आगे बढ़ें। उसी समय उस गलत व्यवहार के सामने अपनी आवाज़ उठाएं। हम इन समस्याओं को होने ही ना दें। ऐसा कोई वजह ही ना रहे कि किसी बहन या बेटी के साथ कुछ ऐसा हो। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा, हर घर में, जैसे कि मैंने कहा, माता, बहन, बेटी, भाई, पिता सब रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को, स्पेशली जो लड़के हैं, उनको स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावनाओं और विचारधाराओं से परिचित करवाएं। उनको परिचित करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब तक अपनी बहन या बेटियों के सम्मान के बारे में उन्हें नहीं सिखाएंगे, तब तक ये कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरा समाज कलंकित रहेगा। राजनेताओं के भरोसे हमें नहीं बैठना है, ये बात ध्यान रखो। हम आवाज़ उठाते हैं 2016 से, 2011 से, 2008 से, 2001 से हम आवाज़ उठा रहे हैं कानून बनाने के प्रति। 21 साल हो गए हैं लेकिन आज तक कानून नहीं बन पाए हैं। तो अब समय आ गया है कि भारत के गौरव को बचाने के लिए हम समाज के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।